अब जो फिलहाल मेरी बाइक में लगा है वो है नया चेन स्प्रॉकेट। जो जॉब कार्ड बनाते थे उन्होंने कहा था कि ये नया है, इसमें ये इशू नहीं आएगा, लेकिन ये नया चेन स्प्रॉकेट है जो कि आर्यन ने अभी मेरी बाइक में डाला था जब कंप्लेन करने के बाद। और अगर आप देखोगे ये नया है, फिर भी एडजस्टमेंट की जगह कितनी सी है, ये इतनी सी लटक गई है थोड़ी, मतलब 3,500 रुपए आपको इसके लगते हैं चेंज करवाने के लिए। तो भाई देखो ये कितनी लटक रही है ना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो यार काफ़ी टाइम से मुझे एक चीज़ पूछी जा रही थी कि भाई अब चेन स्प्रॉकेट की क्या हालत है। तो जिन लोगों को पूरी स्टोरी नहीं पता है, भाई ये सुपर मीटर 650 है और इसके अंदर आ रहा है चेन स्प्रॉकेट का इशू। मतलब ये है दोस्तों कि 5,000 से 6,000 किलोमीटर जब इसको आप चला लेते हो तो चेन स्प्रॉकेट जो है वो बहुत जल्दी घिस जाता है। तो चेन स्प्रॉकेट बहुत जल्दी घिस जाता है, लेकिन वो भी इशू नहीं है। जब ये बाइक बाय डिफॉल्ट आती है, कंपनी से बिल्कुल न्यू आती है दोस्तों, तो भी उसमें ना चेन एडजस्टमेंट की जगह नहीं होती है। और जैसे कि आप जानते हो कि ये हैवी बाइक है और चेन स्प्रॉकेट इसका बार बार घिस रहा है, तो जब आप इसको चलाते हो तो बहुत जल्दी आपको ना चेन को टाइट करवाना पड़ता है, तो बहुत जल्दी चेन लूज होती है और चेन टाइट होती है। और इसी के लिए मैंने कंपनी में इशू रेस करा था। कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने चेन स्प्रॉकेट नया बदल के दिया था। अब जो फिलहाल मेरी बाइक में लगा है वो है नया चेन स्प्रॉकेट, ठीक है। जो जॉब कार्ड बनाते थे उन्होंने कहा था कि ये नया है, इसमें ये इशू नहीं आएगा, लेकिन जो मैकेनिक थे उन्होंने कहा कि सर ऐसा नहीं है, जो बाइक के साथ आता है वही हमने बस नया लगा दिया है, कंपनी वर्क कर रही है इसके ऊपर, एंड जैसे कोई अपडेट आता है बता देंगे। तो अगर मैं बात करूँ कंपनी से कोई अपडेट आया, भाई फिलहाल अभी नहीं आया है। मैंने ली थी ये बाइक अप्रैल में, उसके बाद मैंने इसको चलाया थोड़ा बहुत। जून में मैं इसको लद्दाख लेके गया, वापस आया मैं जून में ही मैंने ये इशू रेस करा था, उन्होंने नया डाल के दिया, सर्विस सेंटर वाले काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। तो अभी जो बाइक में लगा है वो है नया चेन स्प्रॉकेट। बट दोस्तों द थिंग इज दैट कि दिसंबर आने वाला है, लेकिन अभी भी कोई कंपनी से अपडेट नहीं आया है। जैसे मैंने ये वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे लोगों ने चेक करा था, क्योंकि दोस्तों जब मैंने इसको बाइक को नया लिया तो ये इशू आपको ना पहले देखने के लिए नहीं मिलता। आप जब तक इसको 3,000-4,000 किलोमीटर चलाओगे ना तब तक नहीं मिलेगा। अगर मैं लद्दाख नहीं जाता, मैं घूमने नहीं जाता, मैं ट्रिप पे नहीं जाता, तो शायद मुझे भी इतनी जल्दी पता नहीं चलता। लेकिन जैसे मैं इसको लद्दाख लेके गया, 3,000-4,000 किलोमीटर चली मेरी बाइक, तो उससे मुझे पता चला कि ये इशू है। अब मैं आपको दिखाता भी हूँ एक बार। सो दोस्तों अगर हम इधर आ जाए ना तो बिल्कुल मतलब कंपनी से नया चेन स्प्रॉकेट लगा गया है जो चेंज हुआ था। और जो ये चेन स्प्रॉकेट दिख रहा है आपको, ये नया चेन स्प्रॉकेट है जो कि आर्य ने अभी मेरी बाइक में डाला था जब कंप्लेन करने के बाद। ये इशू बहुत लोगों को आ रहा है। और अगर आप देखोगे ये नया है, फिर भी एडजस्टमेंट की जगह कितनी सी है, देख रहे हो कितनी सी है। सो इनकेस अगर मेरी बाइक की चेन ढीली होती है दोबारा से तो और मैं टाइट कराने जाता हूँ, तो बस ये इतनी सी पीछे होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोगों को ये पूछना था कि भाई क्या कंडीशन है आपकी, आपको कोई इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो भाई देखो तो चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती, चलाने वाइज ये बाइक बहुत ही बढ़िया है भाई, मतलब सुपर परफॉर्मेंस है, सुपर। तो चलाने वलाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन आपको दिखाते हैं हमारी। तो भाई कंडीशन देखो ऐसी है और ये इतनी सी लटक गई है थोड़ी, मतलब ज़्यादा ढीली भी नहीं है, मतलब कहूँगा ढीली ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन हाँ। तो अभी ये दोस्तों लटकने लग गई है, विच मीन्स अब मुझे इसको टाइट करवाना पड़ेगा। और मुझे जिस हिसाब से लग रहा है ना, जितनी यहाँ पे जगह है, मुझे लगता नहीं है कि भाई ये मतलब मुश्किल से एक बार से ज़्यादा टाइट होगी। एंड दोस्तों देखो टाइट कराने के बाद दोबारा से ढीली होगी जब मैं 3,000-4,000 किलोमीटर चलाता हूँ इसको, क्योंकि बहुत जल्दी घिस रहा है, फिर से टाइट करानी पड़ेगी, लेकिन टाइट कराने के लिए एडजस्टमेंट नहीं है और यही है सारा इशू। सो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो नई बाइक है, तो जो सबसे बड़ा फॉल्ट है बाइक में यही है चेन स्प्रॉकेट का घिसना, ठीक है। बाकी भी थोड़े बहुत इशू हैं, वो कोई इतने मेजर नहीं है, लेकिन ये है सबसे बड़ा इशू। अब दिक्कत ये है कि भाई कंपनी से कोई अपडेट आ नहीं रहा है, बहुत सारे लोग अब फेस कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने 3,000 से 4,000 किलोमीटर चला लिए, अब ये जा रहे हैं, ये फेस कर रहे हैं इशू। अब इसका सलूशन क्या है, देखो दोस्तों इसका पहला सलूशन यही है कि कंपनी अपडेट दे, तभी कुछ हो सकता है। और दोस्तों इसी की वजह से ना सुपर मीटियोर की सेल्स जो है ना एकदम से डाउन गई है भाई, एकदम से, मतलब लोगों ने लेना ही बंद कर दिया। क्योंकि यार ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आप कोई लंबी राइड करें तो आप नहीं चाहोगे कि आपको बार बार चेन स्प्रॉकेट बदलवाना पड़ रहा है, अपनी चेन को टाइट करवाना पड़ रहा है, कॉमन सी बात है। क्रूजर है, इतने अच्छे सेगमेंट की क्रूजर है, फ्लैगशिप मोटरसाइकिल है, फिर ऑफकोर्स आप ये नहीं चाहोगे। अब सोल्यूशन की बात करते हैं, तो भैया जी पहला सोल्यूशन तो यही है कि आरी अपडेट दे, जो कि आना ही चाहिए। एंड दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या हमें ये बाइक अभी लेनी चाहिए या वेट करना चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, पूरा कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने एक एक पॉइंट इस बाइक के बारे में बताया था। तो अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हो लेने के लिए तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, तो देखो दोस्तों पहली चीज़ है कि आरी अपडेट देना चाहिए। तो जैसे ही आरी अपडेट देता है सारी बाइकों में ये रिप्लेस हो जाएगा। अब देखो वो बेल्ट ड्राइव लाते हैं, जो भी लाते हैं इसका चेन स्प्रॉकेट चेंज करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन देम। क्योंकि दोस्तों काफ़ी महंगी बाइक है, 4,000-4,500 रुपये की मतलब है, और ये 2,000-3,500 की चीज़ के पीछे अगर आई डोंट थिंक तो कि कंपनी अपना इतना बड़ा लॉस करेगी कि लोग इसको खरीदना छोड़ दें। दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि मान लो एक बार कंपनी अपडेट नहीं देती है, तो अगर आपको उसको चेन स्प्रॉकेट बदलना पड़ रहा है,
जैसे कि मैं हूँ दोस्तों, अब मुझे पता है क्या लगता है कि अगर कोई अपडेट भी नहीं आता ना तो 2500 रुपये का आता है इसका चेन स्प्रॉकेट, ठीक है, जिसमें इसके 500 का आगे का स्प्रॉकेट आता है, 700 का पीछे का आता है, बाकी की चेन आती है और 1000 रुपये लेवल। तो 3500 रुपये आपको इसके लगते हैं चेंज करवाने के लिए। तो इसको आप चेंज कराते हो तो 3500 रुपये लगेंगे अगर कंपनी कोई अपडेट देती नहीं है तो, और ऐप को ऐसे चलानी पड़ती है। एक चेन स्प्रॉकेट 10000 किलोमीटर चल जाएगा आराम से टाइट करवा के, ठीक है, आराम से चल जाएगा। और ये बिल्कुल नया लगा था 5000 किलोमीटर पे, मेरी बाइक ने 8000 किलोमीटर कर दिए और अभी जैसा मैंने आपको कंडीशन दिखाई वैसी इसकी कंडीशन है। तो इनकेस अगर आ रही अपडेट नहीं देते और आप 3000 रुपये लगाने के लिए रेडी हो चेन स्प्रॉकेट को बदलवाने के लिए आफ्टर 10000 किलोमीटर, तो आप इस बाइक को ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा सोल्यूशन है, यहाँ पर जो छोटी वाली गरारी हो रही है ना सबसे ज़्यादा वही घिस रही है, मेन मतलब मेन कंसर्न आप कह सकते हो वही है, जो इसके अंदर छोटा वाला गरारी होती है वो सबसे ज़्यादा घिस रही है और उसकी कॉस्ट आती है 500 रुपये। इनके साथ आपको ये भी नहीं बदलवाना पूरा चेन स्प्रॉकेट, तो आप इसको भी बदलवा लोगे ना अंदर वाले को तो भी आपकी बाइक 5 से 7000 किलोमीटर दोबारा से चलने के लिए रेडी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों एज सच इनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मेन दिक्कत यहाँ के जो गरारी होती है यही घिस रही है, है ना। और कंपनी से फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, कंडीशन मैंने आपको चेन की दिखाई दी है कि भाई इतनी ऐसी लटक गई है, ठीक है, बाकी कोई बैठता है तो थोड़ी स्ट्रेट हो जाती है। एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ एंड फिर दिखाता हूँ कितनी नीचे लटक रही है। बाकी अगर इस पर वेट होता है ना तो एक थोड़ी सी अपने आप टाइट हो जाती है दब के, है ना, तो इतना कुछ ऐसा नहीं है। तो दोस्तों देखो मेरी बाइक ने कर दिया 8166.2 किलोमीटर और 5000 किलोमीटर पर इसका चेन स्प्रॉकेट बदला था। अब बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ एंड फिर दिखाता हूँ आपको कि कितनी लटक रही है ये। तो यहाँ से करते हैं ऑन और भाई तो भाई देखो ऐसी ये लटक रही है। तो भाई देखो ये कितनी लटक रही है ना। तो दोस्तों ऐसी सी कंडीशन है, वेल पूरी टाइट तो ऑफकोर्स ही नहीं होगी, लेकिन जब आप स्टैंड से उतारते हो टायर पे आती है और पीछे भी बैठता है कोई पिलियन आपके तो थोड़ी सी और टाइट हो जाती है अपने आप ही। बट द कंसर्न इज दिस एंड काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या अपडेट है, क्या है और कैसी परफॉर्मेंस है अभी फिलहाल। तो भाई जो भी था मैंने बता दिया, स्टिल अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछेगा आप ज़रूर एंड उसका ऑफकोर्स हम आंसर देंगे। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो दोस्तों, आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डिफरेंट वर्जंस ईच टू व्हाट दे दैट शिट वर्सन्स व्हाई पुल बैक द कर्टन एंड यू विल सी द डिफरेंट वर्मिन वी ऑल हैव डिफरेंट बर्डन्स दैट ऑल सीम टू कॉज डिस्टरबेंस या डू मी अ फेवर डोंट ट्रीट मी लाइक अ नेबर डोंट नीड द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ योर प्रॉब्लम्स जस्ट टू सेवर आईव गॉट माय ओन इश्यूज आई नीड अ कॉम टू गेट थ्रू डोंट नीड टू ग्रोन विद यू जस्ट गो गेट योर रॉन्ग टिश्यू I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign.